मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा 2 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, पूरे जिले के समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी अपनी उचित मांगों को लेकर 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन का समर्थन करते हुए समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें व सहकारी संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश में 4,525 सहकारी संस्थाएं कार्य करती हैं, जिनमें 55,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। कई वर्षों से, लंबे समय से नियमितीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक नियमितकरण नहीं किया गया है। इसी के तात्क्रम में जो विक्रेता बंधु हैं, ग्रामीण अंचल में रहकर गरीब तिनके के लोगों को 1 रुपये किलो गेहूं, चावल, नमक का वितरण करते हैं। कोरोना काल में भी इनको शासन प्रशासन के द्वारा कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, ना कोई कमीशन दिया गया, ना कोई वेतन दिया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर दूसरा, अभी जनवरी माह में जो खाद्यान्न वितरण होता है, बहुत आवंटन में कटौती की गई है। इस कटौती को लेकर हमारे जो सेल्समैन हैं ग्रामीण अंचल में, उनको परेशान किया जा रहा है, माल पूरा नहीं मिल रहा है। मशीनों में तकनीकी खराबी होने की वजह से जो स्टॉक ओवर बोल रहे हैं, हमारी मांग है उनको जीरो किया जाए।